Hi everyone and welcome back to my YouTube channel For My Scholar. In this video, I am going to discuss about constructors in Java. Okay, so let's start. So first we will learn what is a constructor and then we will see what kind of constructors are available in Java. Okay, so constructor basically hota kya hai? It's a special type of method and its ki properties kya hai? First property is कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. जैसे आप कोई अगर फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि अभी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, तो फंक्शन का नेम लिखने से पहले हमेशा हम क्या इनिशलाइज करते हैं, क्या लिखते हैं उसका टाइप, कि वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. बट कंस्ट्रक्टर का कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया जाता है, वॉइड भी नहीं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्या होता है, जिस भी क्लास में वो डिफाइन किया जाता है उसी क्लास का नेम पे कंस्ट्रक्टर का नेम रखा जाता है. इट मींस लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक क्लास है, क्लास def. ओके, नाउ आई वांट टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन दिस क्लास, देन मैं उस कंस्ट्रक्टर का नेम क्या रखूंगी, def. ओके, एंड यहाँ पर इसकी जो भी हमें डेफिनेशन देनी है हम उसकी डेफिनेशन देंगे. तो ये def जो फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है विदाउट एनी रिटर्न टाइप, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर. पर्पस ऑफ यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से टू इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में अपने, जो अगर आप जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हमने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग की वहाँ पर मैंने एक भी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया था. ठीक है, तो हम लोग बिना कंस्ट्रक्टर के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं. बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा. जब भी आप, लेट सपोज आपने कोई भी एक क्लास लिखी है जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है. ओके, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है def, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है. इफ़ वी डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर इन आर क्लास, इन दैट केस कंपाइलर क्रिएट्स अ कंस्ट्रक्टर बाय इटसेल्फ. ओके, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास है, मेरे पास क्लास def. नाउ व्हेन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास def, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू def. ओके, इन दैट केस def, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशिएटेड बाय द कंपाइलर. इट मीन्स हमने जितनी भी अभी तक प्रोग्रामिंग की थी वहाँ पर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, तो वहाँ पर कंपाइलर के थ्रू क्रिएट किया गया बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ कर रहे थे. ओके, बट अब इसका यूज़ क्या है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे थे तो क्या फ़र्क पड़ रहा था हमारे प्रोग्राम पर, वो चीज़ हम देखते हैं. जैसे लेट सपोज यहाँ पर क्लास def में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, int i एंड लेट सपोज float j. ओके, नाउ व्हेन आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर हियर, देन इन दैट केस कंपाइलर विल क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट. ओके, नाउ व्हेन आई प्रिंट द वैल्यूज ऑफ i एंड j, अगर मैं प्रिंट करती हूँ वैल्यूज ऑफ i एंड j, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i, एंड हम ले लेते हैं. नाउ व्हेन यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम, इन दैट केस i एंड j की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशलाइज हो जाएंगी. ओके, तो कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की देता है वो देता है 0, एंड फ्लोट की वैल्यू देता है वो बाय डिफॉल्ट 0.0. ओके, तो अगर हमने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है एंड कंपाइलर के थ्रू क्रिएट किया गया बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स इनिशलाइज होंगे आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो वैल्यू असाइन होगी दैट वुड बी द बाय डिफॉल्ट वैल्यू. बट लेट सपोज यू वॉन्ट टू प्री डिफाइन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, इन दैट केस यू नीड टू इनिशलाइज अ कंस्ट्रक्टर. ओके, जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं i की वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो 3 एंड j की वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो 8.9f, तो इन दैट केस आई विल हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर. तो मैं इसी नाम से एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर दूंगी. नाउ जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर क्लास def के लिए, तो यहाँ पर i और j की जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, जो आपने यहाँ पर इनिशलाइज की थी. इट मीन्स अब आपके पास आउटपुट कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3 एंड 8.9f. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस.
एक बार और मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज नहीं किया है प्रोग्राम में, जैसा कि हम अभी तक अपने प्रोग्राम में करते आ रहे थे, तो उस केस में कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है एंड जो भी वेरिएबल्स होते हैं उस क्लास के, उनकी वैल्यू इनिशलाइज की जाती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू से। जैसे कि इंटीजर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, फ्लोट एंड डबल की होती है 0.0, स्ट्रिंग की होती है नल, ठीक है। बट अगर आप कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ चाहते हैं सेट करना, तो इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इस कंस्ट्रक्टर को जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बेसिकली हमारे पास टू टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इन जावा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर इनिशलाइज किया इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। बट अगर आप इसको पैरामीटराइज्ड बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा int i को पैरामीटराइज कर दिया, कोई भी पैरामीटर्स पास कर दिए, इन दैट केस दैट कंस्ट्रक्टर इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर इज यू कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, मीन्स यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है def, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक मैं और कंस्ट्रक्टर बना सकती हूँ जो कि पैरामीटराइज हो सकता है, ठीक है, एंड int k। ओके, इसमें मैं कोई भी इसकी डेफिनेशन दे सकती हूँ। ऐसे ही एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकती हूँ विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया int h। ओके, तो इस टाइप को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, तो इस मेथड को, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, यू हैव मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। तो यही चीज़ यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर्स के केस में। तो कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का पर्पस क्या हुआ, टू एलिमिनेट प्लेसिंग डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू खुद से सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो लेट सपोज, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा वो ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर है int h, ओके, एंड आई एम असाइनिंग, आपके पास एक वेरिएबल है int i एंड float j, ओके, एंड नाउ आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ h टू i, ओके, तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसके लिए हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पर भी हम कोई भी पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी, जो भी आप पास करना चाहते हैं वैल्यू, आप यहाँ पर पास कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके गाइज, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ, एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।